बज्जिका को राज्य सरकार द्वारा पहचान दिलाने के उद्देश्य से चल रहे बज्जिका बचाओ आंदोलन। बज्जिकांचल के समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को उसकी पहचान दिलाने, भारत की जनगणना में उपयोग एवं बज्जिका को राज्य सरकार द्वारा पहचान दिलाने के उद्देश्य से चल रहे बज्जिका बचाओ आंदोलन को संवाददाता सम्मेलन आज पटना में स्थित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय सभागार में सम्पन्न हो गया। पत्रकारों से बातचीत में बज्जिका के पुरातत्व विशेषज्ञ विद्या चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र की भाषा और संस्कृति से होती है। बज्जिका बचाओ आंदोलन आज इसलिए उस संबंध में ये लिखो हो रहा है कि बाकी बिहार में जो बाकी भाषाएं हैं सबको अपना स्थान मिलेगा, लेकिन बज्जिका अपनी जगह पर उपेक्षित है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बज्जिका जन जन तक पहुँचे, इसमें आम आदमी जागरूक हो और इस जनगणना में इसका नाम जाए, उसमें जो मातृभाषा की जो जगह है या भाषा की जगह है उस जगह पर हिंदी या अन्य भाषा का नाम नहीं दे करके बज्जिका नाम हो। इसके साथ साथ स्कूल में कम से कम, कॉलेज में बाद में जाए, लेकिन स्कूल के स्तर पर इसकी पढ़ाई अवश्य हो सरकार के स्तर से, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उस परिवार के लोगों की भाषा है, इतिहास में जो है जी जी विद्या जी बता सके छथिन, विद्या जी की है सुचु और यहां ये बाबा है सुनिए बताइए कुछ शासनिक अधिकारी है आप बताएंगे। दरभंगा में सर बज्जिका के आंदोलन तथा उस परिवार के लोगों की भाषा है, हाँ इतिहास में जो है जी जी विद्या जी बता सके छथिन, विद्या जी की है सुचु इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।